फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे ओलंपिक खेलों 2024 में भारत को पहला पदक मिल गया है। महिला निशानेबाज मनु भाकर ने रविवार यानी आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। मनु रजत पदक से महज 0.1 अंक से चूक गईं, लेकिन वो ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने 221.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक हासिल किया। जानकारी के लिए बता दें कि 10 मीटर एयर पिस्टल में मेडल के लिए 8 महिला शूटर मैदान में थीं, लेकिन मनु ने तीसरा स्थान हासिल किया और पदक जीत लिया। मनु ने पहले स्टेज में 50.4 का स्कोर और दूसरे स्टेज में उनका स्कोर 101.7 तक पहुंच गया। पहले दो स्थानों पर कोरियाई प्लेयर्स का कब्जा रहा। अब बात करते हैं कौन है मनु भाकर। हरियाणा के झज्जर में जन्मी मनु भाकर ने स्कूल के दिनों में टेनिस, स्केटिंग और मुक्केबाजी मुकाबलों में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाली थान टा नामक का एक मार्शल आर्ट में भी भाग लिया। मुक्केबाजी के दौरान मनु के आंख पर चोट लग गई, जिसके बाद उनका बॉक्सिंग में सफर खत्म हो गया। लेकिन मनु के अंदर खेलों को लेकर एक अलग जुनून था, जिसके चलते वो बेहतरीन निशानेबाज बनने में कामयाब रही। मनु ने 14 साल की उम्र में उन्होंने शूटिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उस वक्त रियो ओलंपिक 2016 खत्म ही हुआ था। इसके एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने अपने पिता से शूटिंग पिस्टल लाने को कहा। उनके हमेशा से साथ देने वाले पिता रामकिशन भाकर ने उन्हें एक बंदूक खरीद कर दी और वो एक ऐसा फैसला था जिसने एक दिन मनु भाकर को ओलंपियन बना दिया।